सो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया बिंदास। तो 3 दिन बाद एग्जाम आने वाले हैं, फोड़ के आएंगे अपन। इतना शानदार पेपर करके आएंगे जिसकी हद नहीं है। जो मुझे आता है ना, इतना अच्छा लिखूंगा, इतना अच्छा लिखूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। सब कर देंगे कंप्लीट, ठीक है? तो सब, आज अपन कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई पेपर के किसी सब्जेक्ट की टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज हम बेसिक बातें कर रहे हैं जो जरूरी है एग्जाम में एंटर करने से पहले, कि हमें इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है? तो ये वीडियो वैसे तो आप सबके लिए है, बाकी अपने दोस्तों को भी, अगर आपके कोई दोस्त सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें जो कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे, इसीलिए ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ 5-10 मिनट की, ताकि ये पूरा पता चल जाए हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। गॉट इट? चलो बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं सीधा कुछ बातें। पहली बात कि सर हमें एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है? एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है? तो पहली बात आपको पता है, अच्छा पहले अपन बात करते हैं अकाउंट्स की एंड लॉ की, ठीक है? क्योंकि तो यही सब्जेक्टिव पेपर है आपके, ठीक है? पहली बात, आईसीआई ने क्लियर बोल रखा है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो ब्लैक पेन से लिखो। किससे लिखो? ब्लैक पेन से लिखो। तो आप ब्लू पेन कोशिश करें यूज में न लें, ठीक है? हालांकि लोगों तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईसीआई बोलता है करो ना यार, मना किसने किया। तो आपको क्या क्या लेके जाना है? एक तो कम से कम 3 पेन लेकर जाने हैं। कौन से वाले सर? ब्लैक। अब ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सर हम एग्जाम में ब्लैक पेन से तो लिखेंगे, बॉल पेन से लिखें या जेल से लिखें? तो बस बॉस एक बात बोलूं, आपने क्लास में किससे लिखा था? क्लास में बॉल पेन से लिखा था तो बॉल से लिखो ना। ये 12th क्लास नहीं कि ज्वेल पेन से लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखा जाएगा और मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं मिलते, आपने जो लिखा है उसके मार्क्स मिलते हैं। वहां मैटर करता है टाइम पे पेपर पूरा करना, ठीक है ना? तो आप क्लास में बोल से करते हो तो वहां बोल ले जाओ, और जेल से करते हो तो जेल ले जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, और क्या लेके जाना है सर? ये बात हो गई। दूसरी बात, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सर, कैलकुलेटर एक ले जाएं कि दो ले जाएं? बेटा आपकी इच्छा होते ले जाओ, एक ले जाओगे तो भी मना ही नहीं है, दो ले जाओगे तो भी आईसीआई मना नहीं करेगा आपको कि आप दो कैलकुलेटर क्यों लेकर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई करें कि एक कैलकुलेटर तो कम से कम वो लेकर आए जिससे क्लास में आप काम करते थे, क्योंकि वो आपका हैबिचुअल है। नया कैलकुलेटर लाओगे, उसको चलाओगे तो दिक्कत थोड़ी सी जाती है। तो कोशिश करें कि पुराना वाला कैलकुलेटर ही आप लेकर आए। दो चीज हो गई। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाना चाहे कुछ ही हो जाओ। क्या सर? वॉच, घड़ी। घड़ी लाना और सही लाना, ठीक है ना? ये जरूरी है, क्योंकि आपके वहां पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे कहां निकल गए, इसलिए वॉच लेकर आनी जरूरी है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज तो पता ही सर, पेंसिल, रबर, स्केल। ये सब 4 चीजें आपको लेकर आनी है। गॉट इट? अब पांचवी चीज, ये देखो, ये एडमिट कार्ड लाना है। अब अच्छा, एडमिट कार्ड के साथ ऑब्वियसली सर ये तो हमें पता ही है, क्या बता रहे हो आप, मुझे पता है सर। एडमिट कार्ड आप लाना है। एडमिट कार्ड में एक चीज देख लेना, क्या कि आपके एडमिट कार्ड में फोटो और दूसरा साइन है ना खुद के। अगर ये नहीं है तो किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट से आप इसको अटेस्टेड करवा लेना, वैलिड हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से मिलना चाहिए सबके, फिर भी किसी के नहीं मिले तो चेक कर लेना। सिक्स्थ चीज क्या? आधार कार्ड। सर आधार कार्ड क्या बोला है? आधार कार्ड आपको ले जाना चाहिए। अबे चाहिए क्यों बोल रहा हूं? आईसीआई क्या बोलता है कि साहब जिन बच्चों की एज 18 साल से कम है उनको आधार कार्ड लाना चाहिए, ठीक है? लाना जरूरी है मान लीजिए, तो इसलिए हम सब लेकर आ जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे। ये 6 चीजें लेकर जानी है, आप लिख लेना, ये सब चीजें आपको लेकर जानी है, खत्म। बात पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कि साहब हमारा पेपर कैसा आता है? आपकी जो 12th में कॉपी आती थी ना एग्जाम की, वो रेक्टेंगल फॉर्म में आती थी, मतलब यो तो लंबी आती थी या छोटी आती थी, लेकिन आपके आईसीआई में कॉपी उसी तरीके से आती है जिस तरीके से आपकी एक्चुअल रफ कॉपी या फिर जो फेयर कॉपी होती है वो होती है। देखो आपको मैं इसका दिखा देता हूँ, इस तरीके की कॉपी आएगी, ठीक है? पीछे सेम का सेम रहेगा, ठीक है? लो जी, अब हमें ध्यान क्या रखना है? पहले पेज पर सब, बाकी सब आपको भरवा देंगे सब चीज़ें, तो एग्जामिनेशन कौन सा है, ग्रुप कौन सा, वगैरह वगैरह सब भरवा देंगे। मेन चीज़ क्या होती है कि आपके मान लो 5 क्वेश्चन है, इवन 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी होता है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया, कोई बात नहीं। तो पहले पेज पर जो ऑप्शन होता है ना उसमें आप लिख के आओगे, टिक करके आओगे, मैंने क्वेश्चन 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 5 किया है, 6 किया है, ठीक है ना? तो देखो, टू बी टिक बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट द क्वेश्चन आंसर्ड, ठीक है ना? ये आप करके आओगे, बाकी ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं होती है। ये बात हो गई, ठीक है? अब एक बार मैं इकोनॉमिक्स और बीसी की, इकोनॉमिक्स और इको का भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है?
इकोनॉमिक्स के अंदर और मैथ के अंदर आपको जो पेपर करना होता है ना पेपर, वो पेंसिल से अंडर सर्किल करने होते हैं। किससे? पेंसिल से सर्किल करने होते हैं, पेंसिल नहीं, पेंसिल से सर्किल करने होते हैं। तो आप कम से कम 3 पेंसिल लेकर जाओगे, इसमें रबड़ कंपलसरी है क्योंकि मिटाने के लिए भी काम आएगा, और शॉर्पनर लेकर जाओगे, ठीक है। एक ब्लैक पेन ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉपी आती कैसी है देखो, ऐसी आती है, ठीक है। ये आंसर शीट 100 क्वेश्चन है, सेम इस तरह की कॉपी आएगी, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाना। ये आंसर इसके अंदर टिक कर रहे हैं, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो लिखवा देगा। इनको इसमें भी राउंड जो करो पेंसिल से ही करना, ताकि गलत हो जाए तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ये बुकलेट कोड आता है, ये आपको अपने दोस्तों से देख लेना, मिला लेना। रोल नंबर हो गया, मीडियम हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर अलग अलग आएगा सबका, ठीक है ना, और क्वेश्चन बुकलेट कोड भी अलग अलग आएगा, गॉट इट। ये आप देख लेना, ठीक है। सर इसमें हमें रफ काम करना होता है मैथ में, वो कहाँ करें? एक्चुअल में जो आपको पेपर दिया जाएगा ना, उसके अलावा रफ अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। तो पेपर के पीछे की साइड में एक पेज होता है, आप वहां पर सारा रफ काम कर सकते हो, पेपर भी आईसीए आपसे वापस से ले लेगा, ठीक है। ये बात हो गई, मेरा दो पार्ट हो गया, क्या क्या लेके जाना है, कॉपी कैसी आती है। अब तीसरी बात करते हैं, सर क्या कितने बजे पहुंचे, कितने बजे हम पेपर में पहुंचे? तो आपको पता है आपका जो पेपर स्टार्ट होता है वो 1:45 पर स्टार्ट हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, 2 बजे नहीं होता क्या? नहीं, 1:45 से 2 बजे तक तो आपको टाइम मिलता है, आपको रीडिंग टाइम, ठीक है, और 2 से 5 आपको पेपर लिखना होता है। अब पहुंचे कितने बजे? ऐसा नहीं कि 12 बजे आके बैठ जाए, क्या मतलब है, क्या करोगे? तो बेटा ध्यान रखना कि देखो हमारे जो बच्चे हैं ना सारे के सारे, वो दो भाग में बटे हुए हैं, एक तो लोकल बच्चे होते हैं, एक क्या बाहर से आते हैं जो गाड़ी करके आते हैं या बस में आते हैं। तो लोकल बच्चों के लिए है भाई, आप जल्दी आके करोगे क्या? बाकी मैं वहां रहूंगा, आपके पास टेंशन की बात नहीं है। लोकल बच्चे जल्दी आके कोई मतलब नहीं है, आप लगभग 1:30 बजे पहुंचो, 1:30 बजे से पहले आपका कोई काम नहीं है। सर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, टेंशन क्यों लेते हो, 1:30 बजे पहुंचो आराम से, ठीक है। और आउटसाइड वाले बच्चे 15 मिनट का मार्जिन रखो, आप 1:15 तक आ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर आप और भी जल्दी आ जाते हो तो मेरा इंस्टीट्यूट है, वहां आराम से बैठो, कोई मना ही नहीं है, कोई चीज के लिए मना ही है। तो 1:30 बजे से पहले नहीं पहुंचे लोकल बच्चे, और बाहर वाले बच्चे 1:15 से पहले आके कोई मतलब नहीं, आधा घंटे का मार्जिन बहुत होता है, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि पेपर कैसे लिखें, इस 15 मिनट में क्या करें। देखो भाई आपको 1:45 में पेपर मिल जाएगा, 2 बजे तक आप कुछ लिख नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना इस 15 मिनट में करना क्या है, इस 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करनी जो हम करेंगे। अब इसमें पता है दिक्कत क्या होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो फटाफट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सारे क्वेश्चन 15 मिनट में पढ़ लो, आप ना 3 क्वेश्चन ही पढ़ लो या 4 क्वेश्चन ही पढ़ लो, ठीक है, लेकिन उनको ढंग से पढ़ लो ताकि ये समझ में आ जाए मुझे ये क्वेश्चन करने कि नहीं करने, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आराम से 15 मिनट पढ़ो, फिर 2-3 घंटे मिलते हैं लिखने के लिए। बात समझ में आई? अब सर हमें करना क्या है, देखो भी क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 5 पेपर होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, 6 होते हैं, इवन 5 करने होते हैं, ये तो कंपलसरी होता है। कोई भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको आता है। ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 भी करना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया, अब क्वेश्चन 2 में भी A, B, C 3 पार्ट मिलते हैं। अब आप इनको भी ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले सी कर सकते हो, फिर बी कर सकते हो, फिर ए कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट आपको साथ में करने पड़ेंगे। अब कई बार दिक्कत क्या हो जाती है, A, B, C 3 पार्ट है, उसमें से बी आता है और सी आता है, ए नहीं आता। तो आपको क्या करना है, बी कर लो, सी कर लो, और फिर ए के लिए क्या है, स्पेस छोड़ दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको बाद में कर, नहीं, आपको A, B, C, A साथ में करने पड़ेंगे। ए के लिए जगह छोड़ दो, आपके आईसीए बुरा नहीं मानता, अरे इसने मेरा पेज खराब कर दिया मैं बुरा मान जाऊंगा, अरे वो बुरा नहीं मानता, आप जगह छोड़ दो उसके लिए, आपको लास्ट में आता है तो कर दो, नहीं स्पेस पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट एक साथ करोगे। हाँ, बी पार्ट करने के बाद कम से कम 5 लाइन छोड़ोगे, सी पार्ट करने के बाद कम से कम 5 लाइन छोड़ोगे, ए करने के बाद अगर ए करते हो तो उसके बाद भी लाइन छोड़ोगे, और अगला क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करना है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, गॉट इट, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सर आगे की बात बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शांति से सुनना। सर
सुंदर सुंदर लिखें, गंदा गंदा लिखें, अच्छा अच्छा लिखें, राइटिंग खराब हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, ये सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, मजाक नहीं है। सब बच्चे करते हैं और मेरे बोलने के बाद भी तुम करोगे। क्वेश्चन वन तो सुंदर सुंदर लिखोगे, एकदम जुचाओ जुचाओ, एकदम जुचाओ जुचाओ, एकदम जुचाओ जुचाओ, एकदम जुचाओ जुचाओ लिखोगे। पता चला कि क्वेश्चन वन में और टू में आपने 1.5 घंटा खराब कर दिया। न तो राइटिंग के नंबर मिलते हैं, न राइटिंग के नंबर कटते हैं। सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन वन से ही स्पीडली काम करना, तब 3 घंटे पेपर पूरा होएगा। वो जचा जचा के लिखने वाले फंडे मत करना, सही लिखना। पहली बात, लाइन ले ली, लाइन खींचे जा रहे हो, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है। इसके लिए आपको स्केल आप लो, लेना चाहो तो मजा नहीं है, लेकिन वो डिजाइन कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, वो चीजें मत करना, टाइम खराब होएगा, उनके मार्क्स नहीं मिलते हैं। पहले क्वेश्चन से स्पीड रखना, तब जाके 3 घंटे में पेपर पूरा होगा। हमारी दिक्कत पता है क्या होती है, मन में आता है यार क्वेश्चन हम तो सुझा सुझा के करेंगे, सुझा सुझा के करोगे क्वेश्चन 80 नंबर अटेम्प्ट होगा, फायदा क्या है? तो पहले क्वेश्चन से स्पीड पूरी मेंटेन रखोगे, न राइटिंग के नंबर कटते हैं, न राइटिंग अच्छी लिखने के ना मार्क्स मिलते हैं। हाँ, लिखना पूरा है, कोई एंट्री करी उसका नरेशन लिख दिया, एंट्री करी उसका नरेशन लिख दिया, तारीख लिख दी, ये लिखना है, लेकिन पर्टिकुलर DR CR लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, ये सब चीजों के मार्क्स नहीं मिलते हैं। पेपर पूरा करना जरूरी है, न कि सुंदर करना जरूरी है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जिस तरीके से, जिस स्पीड से आपने क्लास में पेपर किया है, उसी स्पीड से आपको एग्जाम में भी पेपर करना है, ठीक है ना? इसके लिए ध्यान रखना इस चीज़ का। हमारे लिए राइटिंग मैटर नहीं करती है, पेपर मैटर करता है। हमारी तकलीफ होती है, और ये मैं इतना बोलने के बाद भी जो मेरी वीडियो देख लेगा ना, वो भी पक्की बात है, वो धीरे धीरे सजा सजा के लिख रहा है। सजा सजा के नहीं लिखना भाई, स्पीडली लिखना है, ताकि लास्ट में 15 मिनट बच जाए तो मैं सोच तो सकूं कि मुझे करना क्या है वापस, ठीक है? और अगर पेपर पूरा जल्दी हो जाए ना, तो आराम से मत बैठना, हाँ पेपर हो गया, 15 मिनट सर कॉपी लो, नहीं, 3 घंटे मिले हैं तो 3 घंटे पूरे वापस चेक करो उसको, पक्का गलती मिलेगी। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। अब मान लो क्वेश्चन आ गया किसका, पार्टनरशिप फर्म का या NGO का, सबसे चल रहा है, सबसे चल रहा है। हे प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या सर यहां तो आ रहा है 50,000 और यहां आ रहा है 50,000। हे भगवान, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, क्या करें, लगे हुए हो बेटा, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, एक बार वापस गो थ्रू करो फटाफट से, मिलता है तो ठीक है, नहीं इसको लास्ट के लिए छोड़ दो। कितने मार्क्स कटेंगे, अगर बैलेंस शीट गलत भी हो गई तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, टोटल नहीं मिला तो, बाकी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर टोटल के मार्क्स नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना, कभी इसके अंदर टाइम खराब कर दो ऐसा नहीं है। ट्राई करो एक क्वेश्चन को एवरेज 35 से 40 मिनट में करने का, वो दिमाग आप रख लोगे, 35-40 मिनट में लगभग कर लोगे, लास्ट में 5-10 मिनट का छूटेगा तो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर स्पीडली करना है, गलत नहीं करना है। खोपड़ा है ना, इसको संभाल के रखना है, इस खोपड़े में जो आए वो सही सही लिखना, तेज करना, गलत मत करना, ठीक है ना? मतलब राइटिंग मैटर नहीं करती, लेकिन लिखो तो सही, और लोग रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, ऐसा काम मत करना, बिंदास होकर पेपर करना, बहुत ही शानदार पेपर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, सुपर बेस्ट ऑफ लक, 31 तारीख को हम मिलेंगे वहां पर, ठीक है? फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे प्लीज बोल देना। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक अगेन।